Assalamualaikum, this is me Abhi Kashifa. Welcome back to my YouTube channel. Please ignore my sick face, guys. I'm not feeling well. इसीलिए ऐसा चेहरा हो रहा है. But, मैं आप लोगों के लिए करती रहूँगी. So don't worry, okay? So right now I'm here at SL Aesthetic Clinic. अभी मैं यहाँ से जाने लगी हूँ, मतलब जो भी सर्विसेज वगैरह मेरी थी वो हो चुकी हैं. So आज का व्लॉग जो है वो रिलेटेड है रमज़ान से. जैसे कि आप सबको पता है रमज़ान आने वाले, उप्स आने वाले नहीं है, आ चुके हैं तकरीबन. जस्ट वन डे लेफ्ट गाइस, उसके बाद रमज़ान है. रमज़ान के आपको पता है कि शॉपिंग भी करनी होती है, ग्रोसरी शॉपिंग होती है, सारे खानों के लिए सारी चीज़ें ली जाती हैं, मतलब एहतमाम वगैरह जो हम करते हैं उसके लिए सामान लगता है. तो वही सामान लेने आज मैं जा रही हूँ. आज मैं खुद, मतलब आपकी रबिया काशिफ खान खुद जाएंगी, सामान लेंगी आप लोगों के साथ. तो आप लोगों को फुल ब्लॉग ज़रूर देखें ताकि आप लोगों को भी पता चले कि क्या क्या चीज़ें होती हैं, कौन कौन सी चीज़ें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है. तो ये चीज़ है, तो फुल ब्लॉग आप लोगों को ज़रूर देखना है. तो चलिए चलते हैं. सो गाइज, आज हम लोग आए हैं मेट्रो शॉपिंग करने. वैसे तो हम नॉर्मली कारफोर जाते थे, लेकिन आज मैंने सोचा कि क्यों ना हम लोग मेट्रो जाएँ, क्योंकि यहाँ पर एक तो बहुत ईजी इन्वायरमेंट होता है, रश कम होता है, सेकेंडली यहाँ पे ब्लॉग बनाने देते हैं. आई डोंट नो वाई कारफोर में क्यों नहीं बनाने देते, वहाँ पर बड़ी मुश्किल होती है. मैंने फ्रेंड में लोग आके बोल रहे थे कि ब्लॉग नहीं बनाए, ये नहीं करे, वो नहीं करे, वीडियो नहीं बनाए. तो इसलिए फिर मैंने सोचा क्यों ना हम मेट्रो आ जाएँ, यहाँ से सारा सामान मिल जाएगा, हर चीज़ हो जाएगी. तो फिर वाई नॉट चूज़ मेट्रो. सो दैट्स हम लोग यहाँ मेट्रो आए हैं. एंड जो जो चीज़ें लेती रहूँगी वो मैं आप लोगों को दिखाती रहूँगी. अरे ये कोई छोटी चटनी वटनी रखी है. सही, एक और भी लिया. चुन्नू आज आ गए हैं हमारे साथ. ये पता है क्यों अच्छी है? ये ओवन सेफ है, ये माइक्रोवेव ओवन. तो इसमें बेकिंग भी और सर्विंग भी, और टू इन वन है, अच्छी है. बचपन में मैं महीर की जगह बैठती थी ट्रॉली में, अब महीर का टाइम है, महीर साहब बैठे हुए हैं. इंजॉय करो, इंजॉय, बड़े होके ये शौक नहीं आते. अभी महीर का थोड़ी देर में उतारने वाले हैं, इसलिए हमें ट्रॉली भरनी है अपनी, क्योंकि मम्मा को ओवरलोड. और आज पता है रबी का शॉपिंग करना है, ये रमज़ान इसलिए रबी का तुम जल्द बताना क्या क्या चीज़ों की जरूरत पड़ेगी आपको. मैं बताऊंगी. हाँ ठीक है, तभी मैं आई हूँ अपनी नज़रों के सामने हर एक चीज़ लेती रहूँ. आस पास लोग मुझे देख रहे हैं और मैं ऐसे आई हूँ. यहाँ पे मैं ले रही हूँ मैथानी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है रमज़ानों में, तो इसे हम ज़्यादा लेंगे ताकि हमारे काम आती रहे. आई गेस ये वाली है, ठीक है. उसकी एक बड़ी वाली भी तो होती है ना, वो ऐसे रिंग रिंग वाली. नहीं ये तो ले लो, चले ये ले लेते हैं. ये ले, ये लेना ये. लेकिन किसी कंपनी की लेनी आती है, जो आपको वैसे इसकी ज्यादा बेटर होती है, इसकी दूसरी वाली. हाँ इसकी अच्छी होती है, ये वाली है, लेकिन ये छोटा है. ये वाला इसके ना अलग अलग होते हैं. ये वाली स्लेंटी वाला भी तो होता था इसके अंदर. हाँ स्लेंटी भी होगी. स्लेंटी वाली नहीं आई गेस. ये है, ये तो शेल है. मिल गई, मिल गई. और एक ये भी. नहीं नहीं, ये भी वो है. बाकी वो ले लेते ना स्पैगेटी, वो मोटी वाली स्पैगेटी लेंगे. वो मोटी वाली स्पैगेटी, ये पतली वाली है. एक ये भी ले लो, ये सब पतली वाली है. हाँ ये ले लेती हूँ. और ले लो अम्मा. और कितनी लेंगी? सब ऐसे घूर रहे. नहीं है ये चिकन क्यूब का पूरा पैकेट ले लूं क्या, या खुले ठीक रहते हैं? ले लो बेटा, एक ही ले लो. ये ठीक है बाबा. जी बेटा बोले बोले. सिरप चाहिए बेटा, सिरप है घर में है. यहाँ से मैंने रसमलाई का पैकेट उठाया है. वैसे तो नॉर्मली मैं पैकेट की कोई चीज़ बनाती नहीं, मतलब मीठे में खास तौर पे, लेकिन आज मैंने सोचा कि मैं रसमलाई की उठाई लेती हूँ. इसकी रसमलाई मुझे बहुत पसंद है. खीर में, खीर में खीर तो वैसे मुझे अपने हाथ की ही पसंद है. लेकिन गुलाब जामुन ये तो घर में बना दूँगी विदाउट पैकेट. यहाँ पे मम्मा पापड़ भी देख रही हैं. रमजानों में पापड़ भी खाने का एक अलग ही मज़ा होता है. तरह
तरह तरह के पापड़, ये वाले भी हैं। मम्मा इतने टेस्टलेस लगते हैं मुझे तो, जो फिश क्रैकर्स होते हैं ना जस्ट मुझे वो ही पसंद है। ये वाले पापड़ मुझे बिल्कुल नहीं पसंद, लेकिन मेरी अम्मा को पसंद है। हाँ, तो फिर ले लें आप ये। नहीं नहीं ये अपने लिए ले लें बस। बस ये नहीं लूं। नहीं नहीं चल सोच लिया बिल्कुल। फिश क्रैकर नहीं है यहाँ पे, मैंने मुझे फिश क्रैकर दे दें वो मैं कार्टून से ले लूँगी। ठीक है ले ले अम्मा ले लें। मैंने अपनी फेवरेट दिल वाली बागरखानी उठा ली है। माही जरा अब आप उठ जाएं, नवाब साहब अब आप उठें, चने उठें उठें। इतना ज़्यादा मुझे कोई फ्लो हो रहा है, दूसरा इतनी ज़्यादा छींकें आ रही हैं कि मैं आपको क्या पता, मतलब छींकने में मुझे अजीब सा लग रहा है, इतना अजीब हो रहा है। आई डोंट नो व्हाई, क्या हुआ है सब, बट खैर कोई बात नहीं। आप लोग मुझे जल्दी जाकर कॉमेंट सेक्शन में बताओ कि आप लोग रमज़ान की वीडियोज़ के लिए एक्साइटेड हो। जल्दी से जाकर मैं सबके कमेंट्स पढ़ रही हूँ ताकि मुझे पता चले कि मेरे फैंस बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं। यहाँ पे मैं ना ब्राउन राइस देख रही थी, ये ब्राउन राइस हैं और ब्राउन आटा है। मैंने बोला मैं अब इतनी भी डाइट के पीछे नहीं हो रही हूँ कि मैं ये चीज़ें लूँ, बस सही है भाई ऐसी ही सही हो। ओके राइट नाउ मुझे एक बहुत ही क्यूट सी फैन मिली है। ओ माई गॉड, हाय 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 अलीशा, आई नो योर नेम, यू वॉन्ट टू से समथिंग? मुझे याद है बचपन में मैं मेट्रो आती थी तो मुझे आज तक एक बात समझ नहीं आई, वो बात ये कि यार ये खुले क्यों रखते हैं, मतलब कोई भी आके ऐसे चेक कर रहा होता है। वैसे मैंने बचपन में बहुत किया और अभी भी मैं ऐसे ही कर रही थी। आप लोगों ने कभी ऐसा किया है तो प्लीज़ कॉमेंट सेक्शन में बताना। पर मुझे समझ से बाहर है कि ये खुले क्यों रखे होते हैं, इसकी वजह क्या है आपको पता है? चावल बड़ा है छोटा छोटा होगा तो वो वो बेकार होगा, बड़ा होगा तो वो बड़े बड़े बनेंगे, तो इसलिए वो अपनी अपनी सबकी सोच होती है ना। रमजानों में आई हैव टू मेक अ लॉट ऑफ थिंग्स, तो इसीलिए मैं ये सैलेड के लिए ये फ्रेंच ड्रेसिंग ले रही हूँ, एक रेड सॉस ले रही हूँ, ये दोनों मैंने ले लिए हैं और यंग के सबसे बेस्ट होते हैं। का फॉर एवर फेवरेट टू बेस्ट कोस लोकल का रियल वाला तो दुबई में रहता है ना, दुबई में हम यहां पे भी मिलता था लेकिन अब नहीं मिल रहा, आ नहीं रहा ना। हां अब इंपोर्ट जो बंद हो गया है ना उसने सब खराब कर दिया है। क्या जब से हम आए हैं मेट्रो में एंटर हुए मही खान साहब ने रट लगा दी चिप्स के सेक्शन में, चले चिप्स के सेक्शन में चले। कर्लीज कब से खाने लग गए आप हैं जी? कैरमल पॉपकॉर्न हैं, ये अच्छे होते हैं, पहले तो ऐसी नहीं मिलती थी ना, अब आ गई नई नई पैकिंग में, अब उनको पता चल गया कि मैं खाती हूँ तो ये मेरे लिए आ गए। अब देखते हैं मही क्या क्या लेता है। माही को खाने का बहुत शौक है। वेवी चाहिए आपको? ये देखो जरा, आज तो मेरा मुन्ना हीरो लग, क्या याद आए आइसक्रीम, बस याद आ गया इनको आइसक्रीम, चिप्स ले ली, अब इनको आइसक्रीम भी दिलाओ। माहिर रमजान का सामान ना ले हैं, माय चुन्नी माय मुन्नी। ओके लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो। अभी अभी मेरी नजर पड़ी है इस पर और ये बचपन में हम खाया करते थे ऐसे करके, पूरी चॉकलेट आती थी और मेरी नजर पड़ गई है, मैंने ले ली है, मुझे बहुत पसंद है। इतने टाइम से मैं ढूंढ रही थी, पहले मिलती थी अब नहीं मिल रही थी, तो फाइनली मुझे मेट्रो में नजर आ। माहिर की ये भी फरमाइश पूरी हो गई। माहिर इधर चलो, तुम्हें मुर्गी के पास लेके चलो, चल नतली है, देखो मुर्गी ने इतने सारे अंडे दिए, मुर्गी ने दिए हैं, ये बहुत चलाक बच्चों ना आजकल के बच्चे ना, दिमाग एक्स्ट्राऑर्डिनरी चलता। ऑलपर्स की क्रीम हमें लेनी थी, सिर्फ तीन ही हमारे हिस्से में आई है, बाकी क्रीम यहाँ पे ख़त्म, और ऑलपर्स की ही सबसे बेस्ट होती है, बाकी मुझे किसी की भी नहीं पसंद, लेकिन अब मजबूरन हमें लेनी पड़ेगी मिल्कपैक की। इन चीज़ों के बारे में हमें तो पता ही नहीं, बाबा के साथ आने का फ़ायदा बाबा की चीज़ें पढ़ के उठाते, वरना मुझे तो कुछ पता ही नहीं है। कभी ज़िंदगी में अगर मुझे अकेले ग्रोसरी करनी पड़े तो मैं क्या लूँगी, मुझे तो यही नहीं पता, उल्टी सीधी चीज़ें लेके आ जाएंगी, मुझे पक्का यकीन। यहाँ पे बिल पर बहुत ज़्यादा रश है तो बाबा बिल करवाएंगे और हम जाएंगे। माहिर और आपकी गाड़ी में जाके बैठे हैं, माहिर आराम से
वो ये हमारी गाड़ी। आर यू श्योर? आर यू श्योर माहिर? माहिर आर यू श्योर? आते हुए मतलब जब मैं क्लिनिक से निकली तो मुझे इतनी ज्यादा नींद आ रही थी कि मैं गाड़ी में सो गई। जब हम लोग मेट्रो पहुंचे तब माहिर ने मुझे उठाया कि आप ही उठ जाओ, हम लोग पहुंच चुके हैं। क्या हरकतें हो रही? सिट प्रॉपर्ली मारी। माहिर आज प्यारा लग रहा है ना, इसलिए माहिर ओवर हो रहा है ना, है ना? खैर गाइस, ये हमने आज की है ग्रोसरी शॉपिंग। और बहुत ज्यादा रश था, मतलब मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मेट्रो में इतना ज्यादा रश होगा। बट फिर मुझे याद आया कि रबीका काशिफ खान, आप भूल चुके हैं कल से रमजान है, तो ऑब्वियसली पूरा पाकिस्तान निकला हुआ होगा बाहर ग्रोसरी शॉपिंग करने। तो इसीलिए मैंने बोला चलो ठीक है, जितना हो सकेगा मैं शूट करती रहूंगी। सेकेंडली मेरे फोन में, मतलब मैं सुबह 1 बजे से निकली हुई हूँ, मेरे फोन में अभी 2% चार्जिंग है। खैर इससे पहले फोन बंद हो, जल्दी से एक लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बहुत सारा प्यार बरसा दीजिएगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह फर्स्ट रोजे को और सहरी को आप लोगों से मुलाकात होगी इंशाल्लाह 30वें रोजे तक इंशाल्लाह ताला। सो आप लोगों को बहुत सारा प्यार बरसाते रहना है, मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना है ताकि आप लोगों को डेली की अपडेट्स मिलती रहे। सो जस्ट कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग, लॉट्स ऑफ लव, टेक केयर, बाय बाय गाइस। आपकी रफी काशिफ खान की तरफ से आप सबको रमजान करीम बहुत बहुत मुबारक हो। पिछले साल की तरह इस रमजान भी मैं लेके आ रही हूँ सहरी और अफ्तारी का खास एहतमाम, जिसमें होंगे मजे मजे के पकवान। मैं आप लोगों के साथ रहूंगी कनेक्टेड ओनली ऑन रबीका खान यूट्यूब चैनल। देखना मत भूलिएगा, जब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए।